और धनबाद में लाइफ सेवन की खबर का असर हुआ है। जिले के धनसार क्षेत्र में चल रहे अवैध लॉटरी कारोबार का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। मिली गुप्त सूचना के आधार पर धनसार के पास छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, 3 कंपनी का लॉटरी और 14,700 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि धनसार क्षेत्र में अवैध लॉटरी के इस कारोबार में तनवीर आलम खुलेआम क्षेत्र में लोगों को लाखों का लालच देकर कंगाल बना रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन तनवीर आलम फिलहाल फरार चल रहा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें लॉटरी टिकट बरामद हुआ है जो जाली है, विभिन्न नाम से है, डियर चौकान, डियर सी, डियर जमुना, ऐसे करके नाम से करीब 900 के बरामद किए गए हैं टिकट। 900 टिकट? हाँ, करीब 900 लॉटरी टिकट और करीब 14,460 रुपया नगद इन लोग के पास कैश पर। कितना मोबाइल भी जब्त हुआ? 14,000। हाँ, 10 के पास और 10 को मोबाइल, 3 को मोटरसाइकिल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुंदन हमसे जुड़ चुके हैं। कुंदन, धनसार थाना क्षेत्र की एक अवैध लॉटरी की खबर आ रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें यहाँ बता दें आपको, लाइफ सेवन का खबर का हुआ है सर। कुछ दिन पहले हमने लाइफ सेवन में सारी जगहों का लॉटरी का दिखाया था, जहाँ निरसा और धनबाद और झरिया का भी जिक्र किया था, जिसमें तनवीर आलम का जिक्र किया था कि हमने बताया था कि इनका इसका बड़ा खुलासा होगा। आपको बता दें कि तनवीर आलम के 10 लोग पकड़ाए हैं और आपको बता दे रहे तनवीर आलम फरार है। और उसी बता दे रहे हैं कि तनवीर आलम काफी दिनों से JMB ब्रांड है, जो वो अपना छपा के वो लॉटरी को विक्रित कर रहा है धनबाद, हर ही क्षेत्र में, धनबाद के हर कोने में लॉटरी का बिक्री कर रहा है और अवैध तरीके से कर रहा है। उसकी जो जड़ें हैं बहुत काफी दूर तक फैली हुई है और लगभग डेली 5 से 7 लाख रुपए का इनकम है उसका और करोड़ों रुपए का घर है। जी जी कुंदन, तो जैसा कि 10 लोग गिरोह के पकड़े गए हैं, और कितने लोगों के जुड़े होने की आशंका है? देखिए, अभी और पुलिस तलाश कर रही है कि कहाँ कहाँ उसके लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे बता दिया आपको, जैसे झरिया है, जैसे जामा डूबा है आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको सुडामली है, और ये बता दें ये बोकारो तक लॉटरी का सप्लाई करता है और बहुत तरीके से करता है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में, आप जैसे देखे कल रात के अंधेरे में लॉटरी बिक्री दे रहा था सभी लोगों को, लड़के लोगों को बेचने के लिए, तो रात में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पकड़ी। और आपको बता दें कि लोग काफी लोग इसे मतलब जाली टिकट से परेशान है, क्योंकि घर में लॉटरी खेल लेते हैं जो लोग और घर जाते हैं जो पैसा नहीं आता है और कंगाल बन जाते हैं और झूठ मूठ का सपना दिखा के, क्योंकि इस लॉटरी से कुछ आने वाला नहीं है। आपको बता दें स्नेहा, ये लोग जाली फंसाते हैं कि 2 लाख रुपया आ जाएगा, 4 लाख रुपया आ जाएगा, जब लग भी जाता है लॉटरी तो उन्हें वो पैसे नहीं मिलते हैं और उन्हें संतावना मिलता है कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, उसके बाद ये लॉटरी भी जाली है तो जाएंगे कहाँ, वो पुलिस के पास जा भी नहीं सकते हैं और किसी से बोल भी नहीं सकते हैं। जी जी कुंदन, ये जानना चाहूंगी, जो मुख्य आरोपी है तनवीर आलम, ये फरार चल रहा है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई अभी कितने दूर तक पहुंची है? देखिए, हम साफ शब्दों में तो ये कह दे स्नेहा कि देखिए, पुलिस को गुप्त सूचना मिली तब पुलिस पकड़ी, पुलिस अपने से कुछ नहीं करती। आपको बता दे धनबाद पुलिस को 10 बार हमने खबर दिखाया है, 10 बार ये कहा है, सभी लोगों का नाम बताया है कि जो जो निरसा में काम करते हैं, जो कांडरा में करते हैं, संजय है कांडरा में जैसे करते हैं, निरसा में चंदन साहू काम करते हैं, तो ये सब जो नाम है मुख्य आरोपी का नाम है, जो अवैध तरीके से लाखों डेली कमा रहे हैं और छाप के अपना चला रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन इस पे पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक तरह से माना जाए तो इसने आपको बता दे कि पुलिस बड़ी कार्रवाई नहीं की, यहाँ के लोग जो होते हैं गुप्त सूचना दिए थे, जो लोगों ने उन्हें पकड़ाया है वो लोग मेन है, क्योंकि वो लोग परेशान हो चुके थे लॉटरी के अवैध लॉटरी के धंधे से और देख रहे थे लगातार वो लोग कि इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो काफी हमें फोन आ रहा था इस बारे में कि देखिए, आपने जो खबर चलाई है तो यहाँ पे ये लॉटरी बिक रहा है,
यहाँ देख सकते हैं पूरे सरगना है, यहाँ 8-10 लोग हैं और हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया है, पुलिस अगर नहीं पहुंचेगी तो क्या करेंगे। हमने बोला पुलिस को फोन कीजिए, नहीं तो ऊपर अधिकारी को फोन कीजिए, जरूर पकड़ेंगे। तभी गुप्त सूचना के आधार पे ये लोगों को पकड़ा गया। जी, ये पुलिस की कमी ही है जो इस तरह के अवैध लॉटरी के धंधे पर प्रशासन ठीक से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो आशा यही रहेगी कि जो मुख्य आरोपी है उस पर पुलिस जल्द से जल्द नकेल कसे, और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कुंदन, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये धनबाद से खबर थी जो आपको बता रहे थे कि अवैध लॉटरी का ये मामला है जिसे प्रमुखता से लाइव सेवन ने पहले दिखाया था, और उसी आधार पर आज जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो 10 लोगों को पकड़ा गया, और उसमें जो मुख्य आरोपी है तनवीर आलम वो फिलहाल फरार चल रहा है, और इसे लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कितनी तेज कर पाती है ये देखने वाली बात होगी।